हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द कॉम्पिटिटिव क्लासेस एंड ऑल्सो वेलकम बैक टू अवर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेक्चर सीरीज दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट फॉर योर जेके बैंक बैंकिंग एसोसिएट एग्जाम्स। राइट गाइस, आप जैसा कि जानते हो कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे आपकी स्पीड को बूस्ट करने में एंड आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन एंड आपको एग्जाम का लेवल जो है वो इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। आप लोगों ने अभी तक काफ़ी प्रैक्टिस तो कर ली होगी लेकिन आपको अब जानना है कि एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन आएंगे एंड साथ ही साथ आपको उसकी प्रिपरेशन भी करनी है, आपको अपनी स्पीड भी बूस्ट करनी है। तो आप हमारे साथ साथ ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए। अगर क्वेश्चंस आप विद इन टाइम सॉल्व कर रहे हो दैट मीन्स यू आर गोइंग गुड, यू आर गोइंग टू स्कोर गुड इन यूर एग्जाम एंड क्वालिफाई द एग्जाम। राइट गाइज, तो आज के हमारे सेट में हमें आपके लिए 20 क्वेश्चंस लेके आया हूँ जिसमें 5 क्वेश्चंस नंबर सीरीज के रहेंगे, 10 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन के रहेंगे और 5 क्वेश्चन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रहेंगे। ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि हाई स्कोरिंग होती है एंड मोस्ट ऑफ द चांसेस, बहुत सारे चांसेस हैं कि ये 20 नंबर जो हैं आपको एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। राइट, आपको 5 नंबर की नंबर सीरीज, 5 नंबर की क्वाड्रेटिक इक्वेशन और 10 नंबर की सिंप्लीफिकेशन आपको एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिल सकती है। सो यू हैव टू हैव ए गुड कमांड ऑन दिस। ठीक है, आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, आपको कोई 10 मिनट में ये 20 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करने ही करने हैं। 10 मिनट नहीं तो 11 मिनट में या 12 मिनट में आपको ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट करने ही हैं और बाकी का टाइम जो है आपको बाकी क्वेश्चंस में इन्वेस्ट करना है। राइट, चलिए तो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। आज आपके लिए मैं रॉन्ग नंबर सीरीज लेके आया हूँ। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपके लिए डे 1 के लेक्चर जो थे उसमें हमने आपके साथ मिसिंग नंबर सीरीज डिस्कस की थी एंड एन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गाइस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करो ताकि आने वाली सारी की सारी वीडियोस एग्जाम तक डेली आपको वीडियोस प्रोवाइड होंगी एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा और बेल आइकन को हिट नहीं किया होगा तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगी गाइस। ठीक है, तो बेल आइकन हिट कर दो, नोटिफिकेशन आ जाएगी आपको और सब्सक्राइब बटन दबा दो। राइट, चलिए अब हमारे पास पहला है नॉर्मल नंबर सीरीज 55, 58, 67, 85, 108 and 144. So this is the given question. You can also see it on the screen, right? तो given options हमारे पास 67, 108, 58, 85, 144. तो इनमें से आपको wrong number series बतानी है। Wrong number कौन सा इनमें से? Right? तो मैं अगर देखूँ तो ये slowly increase कर रही है, कोई ज़्यादा difference नहीं है इनमें। तो देखूँ जरा कितना difference है, इसमें 4 का difference है। इसमें देखूँ तो इसमें कितना difference आ रहा है मेरे पास, इसमें 9 का difference दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो यहीं से मेरा थोड़ा थोड़ा पैटर्न बनना स्टार्ट हो गया। ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है। आगे अगर देखूँ मैं तो आगे इसमें डिफरेंस देखूँ 7 और 8, ये 8 आ जाएगा और 1। ठीक है, इसमें 18 आ गया, 18 का डिफरेंस है, 85 माइनस 67। ठीक है, तो 15 16 17 18। ठीक है, तो ये अभी तक 18 का डिफरेंस बता रहा है, अगले वाले में कितना डिफरेंस बता रहा है, 3 और 23, ये 23 का डिफरेंस बता रहा है। ठीक है, ये दो मेरे पैटर्न मैच कर रहे हैं लेकिन ये दो मेरे पैटर्न मैच नहीं कर रहे हैं। अगर अगला वाला भी स्क्वायर होता है, अगर अगला वाला भी किसी का स्क्वायर है, दैट मीन्स दिस विल बी माई आंसर। ठीक है, तो देखें जरा ये जो है ये किसका स्क्वायर है, 8 और ये बन जाएगा मेरा 8 9 10 11 12 6 और ये बनेगा 36। तो ये 36, दैट मीन्स सीरीज क्या बनेगी मेरी, सीरीज बनेगी मेरी 4 9, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर आना चाहिए था, ये 5 का स्क्वायर आना चाहिए था, ये 6 का स्क्वायर मेरा डन है। तो ये फॉलो कर रही, ये फॉलो कर रही, ये फॉलो नहीं कर रही, ये फॉलो कर रही और ये दो फॉलो नहीं कर रही। तो दो नंबर गलत कौन से हैं, दो डिफरेंस गलत कौन से हैं, ये कौन गलत कर रहा है आपको पता है। रॉन्ग नंबर जो होता है वो अपने आगे वाले और पीछे वाले दोनों पैटर्न्स को गलत करता है। तो दो पैटर्न को गलत करने वाला कौन है, ये 85, दैट मीन्स 85 इज योर रॉन्ग नंबर। राइट गाइस, 85 इज योर रॉन्ग नंबर। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। अगर आपने नंबर सीरीज की डिटेल्ड वीडियो देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पे मैंने नंबर सीरीज की एक डिटेल्ड वीडियो ली है। राइट, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38 39 35 44 32 एंड 53। गाइस, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, आपके लिए डेली ऐसा कंटेंट हम लाते रहेंगे। ठीक है, ये क्या है आपका +1, ठीक है, ये क्या है आपका माइनस, ये है आपका -4। ठीक है, तो कुछ कुछ दिख रहा है, ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर। अगला देखते हैं आगे क्या हो रहा है, हमारा +9 हो रहा है, अगला हमारा +9 हो रहा है, उसके बाद अगर मैं देखता हूँ -18 हो रहा है। ठीक है, माइनस 12 हो रहा है। ठीक है, और उसके आगे देखूं मैं
तो उसके आगे मेरा बनेगा, ये क्या हो रहा है, प्लस कितना हो रहा है, प्लस कितना हो रहा है, 1 और 2, प्लस 21 हो रहा है। ये पैटर्न बन रहा है मेरा, देखें ज़रा डिफरेंस हमने सही लिए, ये हमारा कितना हो रहा है, -1 और -12 हो रहा है, ठीक है, और ये प्लस कितना हो रहा है मेरा, 1 और 2, प्लस 21 हो रहा है। तो क्या गलत हो रहा है, ये पैटर्न मेरा 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, अगला ये 4 का स्क्वायर होना चाहिए था माइनस में, और उसके अगला मेरा 5 का स्क्वायर होना चाहिए था, ठीक है। अगर मैं इसमें 4 का स्क्वायर ऐड करता हूँ, इसमें इसकी जगह 16 की जगह मैं 4 का स्क्वायर माइनस करता हूँ, यानी 16 माइनस करता हूँ, 44 में से अगर मैं 16 माइनस करता हूँ तो मेरा आंसर आएगा 8 और 2, 28 आंसर आएगा, 28 आएगा। उसके बाद अगर मैं इसमें 5 का स्क्वायर ऐड करता हूँ, 25 ऐड करता हूँ, 53 आ जाएगा। दैट मीन्स ये 32 की जगह 28 आना चाहिए था, 32 की जगह 28 आना चाहिए था। दैट मीन्स मेरा राइट आंसर क्या आएगा, राइट मतलब 32 इज द रॉन्ग नंबर। तो मेरा ऑप्शन जो मैं मार्क करके आऊंगा, दैट विल बी ऑप्शन नंबर थ्री विल बी द राइट आंसर, राइट गाइज। चलिए लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर थ्री, देखिए जरा क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कहता है हमारा क्वेश्चन। देखो मिसिंग नंबर सीरीज कंपैरेटिवली इजी होती है रॉन्ग नंबर सीरीज से, लेकिन आपको एग्जाम में मिसिंग नंबर या रॉन्ग नंबर दोनों में से कोई भी आ सकता है, तो हमारी प्रिपरेशन दोनों की होनी चाहिए, राइट। हमारी प्रिपरेशन दूसरों, और ये माइंड रखना, ये चीज़ ध्यान में रखो, जो हम आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं ये कभी ना कभी एग्जाम में आए हुए हैं और क्लरिकल लेवल के एग्जाम में ही आए हुए हैं। सो दिस क्वेश्चन शुड बी डन बाई यू, आपको एटलीस्ट इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस होना जरूरी है, राइट। चलिए 16, 30, 58, 114, 226 and 454 क्या दिख रहा है मुझे, मुझे दिख रहा है कि ये नंबर 16 से स्टार्ट हुआ और 454 तक पहुंच गया। दैट मीन्स कहीं ना कहीं हो सकता है मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व हो, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व हो सकती है। अगर इसका देखूँ, मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे हमें हमेशा लास्ट से पता करना है, हमको हमेशा लास्ट से चेक करना है, बिकॉज यहाँ से काफ़ी सारे पैटर्न्स बन सकते हैं, लेकिन यहाँ से हमारे पास एक ही पैटर्न। अगर 226 करूँगा, अगर 226 करूंगा तो आता है मेरा 252, मतलब इंटू 2 प्लस 2 आ रहा है, इंटू 2 प्लस 2 आ रहा है। अगर इसको करूं तो ये बनेगा 228, ठीक है, इंटू 2 माइनस 2 हो रहा है, ये करूंगा तो इंटू 2 माइनस 2 हो रहा है, ठीक है। 58 टू सा कितना होता है मेरा 116 में से 2 जाएंगे, 14 बच जाएगा। इसको करूंगा तो इंटू 2 माइनस 2, 60 माइनस 2 58 आ जाएगा, तो ये करूंगा इंटू 2 माइनस 2। दैट मीन्स मेरे को सामने सामने दिख रहा है कि ये सारे पैटर्न जो है फॉलो हो रहे हैं, लेकिन यहाँ तक नंबर्स मेरे ठीक आ रहे हैं, लेकिन ये नंबर जो है यहाँ पे गड़बड़ हो गया। यहाँ पे एक्चुअल में नंबर आना क्या चाहिए था, इंटू 2 होता है 452, तो यहाँ पे नंबर आना चाहिए क्या था इसके लिए, 450 आना चाहिए था इसकी जगह, लेकिन हमारा यहाँ पे क्या आ गया है, हमारा यहाँ पे रॉन्ग नंबर आ गया है 454, राइट। सो राइट आंसर इज 454, दिस इज ऑप्शन नंबर 3, मार्क कर लीजिए। चलिए गाइस मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 600, 592, 565, 491, 376 and 160, ये है मेरे पास। तो क्या देख रहा हूँ मैं यहाँ पे -8 हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे -8 हो रहा है। देखो आहिस्ता डिक्रीज हो रही है, तो सीरीज मतलब मेरी डिक्रीज की है, ठीक है। यहाँ पे देखूँ तो क्या हो रहा है, कितना माइनस हो रहा है, 592, 5 और ये 7 और ये 27, ये -27 हो रहा है। कुछ समझ में आ रहा है, जिनकी प्रैक्टिस अच्छी होगी वो यहाँ से देख के समझ जाएंगे कि ये सीरीज किस चीज़ की है। ये होता है भाई 2 का क्यूब, ये होता है 3 का क्यूब, तो अगला मेरा 4 का क्यूब होने के चांस अगर है, दैट मीन्स मेरी पैटर्न बन जाएगा, ठीक है। 5 और ये यहाँ पे करूँगा 6 और ये बन जाएगा मेरा 49 एंड ये बन जाएगा मेरा कितना 6, ये बन जाएगा मेरा 6, कुछ गलत कर रहा हूँ मैं, 565 में से 491 माइनस करना है, 4 आएगा और ये बन जाएगा मेरा 7, ठीक है, ये बन जाएगा मेरा 74, ये बन जाएगा 74, ठीक है, यहाँ पे 74 बन रहा है। यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे क्या बन रहा है मेरा 6, ये 5 आ गया और ये कितना आ गया मेरा 491 में से मैं 376 माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा 6 और ये 5 आ जाएगा और यहाँ से 1 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 115 आ रहा है, 115 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मेरा 6
एक और टू, ठीक है। देखो भाई, देखो इसका डिफरेंस 8, 27, ये -74, ये -15 और ये -216। ये 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ये 4 का क्यूब होगा, होने के चांसेस हैं 4 का क्यूब, ये 5 का क्यूब होने के चांसेस हैं, और ये 6 का क्यूब मेरा बन रहा है। दैट मीन्स पैटर्न तो समझ में आ गया, लेकिन अब रॉन्ग नंबर कौन सा है? मैंने कहा रॉन्ग नंबर जो है वो आगे और पीछे वाले दोनों को नंबर को ख़राब करता है। यहाँ पे दो डिफरेंस कौन से गलत आ रहे हैं, एक ये वाला और ये वाला। तो इसको लिंक करने वाला कौन है? 491। इसको लिंक करने वाला है 491। तो 491 विल बी अवर रॉन्ग नंबर, 491 विल बी अवर रॉन्ग नंबर। आपको चेक करने के लिए अगर करना है तो यहाँ से 64 माइनस करो, यहाँ पे जो आएगा उसमें से 125 माइनस करो, तो 376 पक्का आ जाएगा यहाँ पे, राइट। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए गाइस, बिल्कुल एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस हैं, इससे नीचे नीचे ही क्वेश्चंस आएंगे, इससे डिफिकल्ट क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं आ सकते। चलिए अगला है आपके पास 29, 24, 35, 30, 38 एंड 36, ठीक है। ये आपके पास स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है आपको। तो क्या है हमारे पास यहाँ पे, क्या हो रहा है? -5 हो रहा है। यहाँ पे देखो तो +9 हो रहा है, हो रहा है -5 हो रहा है, +9 हो रहा है, +11 हो रहा है, ठीक है। ये क्या हो रहा है मेरा? -5 हो रहा है। ये क्या हो रहा है मेरा? +8 हो रहा है। और ये क्या हो रहा है मेरा? -2 हो रहा है, ठीक है। देखो अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, -5 प्लस 11, अगर मैं इसको प्लस 11 करके देखता हूँ, अगर मैं इसको प्लस 11 करता हूँ तो यहाँ आएगा 41, यहाँ आएगा 41। दैट मीन्स अब मेरे को माइनस करना पड़ेगा 5। अगर माइनस करके, अगर यहाँ से 5 माइनस करके 36 आ जाता है, दैट मीन्स ये रॉन्ग नंबर है। तो माइनस करता हूँ 5 आ जाएगा 36, दैट मीन्स मेरा रॉन्ग नंबर क्या है भाई? 38। दिस इज द रॉन्ग नंबर। तो गाइज ये थे आपके 5 रॉन्ग नंबर सीरीज के क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आए होंगे, आपको सीखने के लिए मिला होगा, आप खुद भी प्रैक्टिस कर रहे होगी इसकी। देखो करना क्या है आपको, ये सेशन तो आप देख रहे हो, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है, आपको वीडियो को पॉज करना है, देन आपको वो क्वेश्चन को खुद सॉल्व करना है, ठीक है। और देखना है कि आप उसको कितना टाइम लगा रहे हो। आपको ये क्वेश्चन करने में, ये नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चंस करने में आपको क्या करना है, हार्डली 3 मिनट लेने हैं। 3 मिनट में आपसे ये 5 क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए, मैक्सिमम 3.5 नंबर, क्योंकि मैक्सिमम 3.5 मिनट, क्योंकि ये रॉन्ग नंबर सीरीज थी, तो आप इसमें 3.5 नंबर, 3.5 मिनट्स भी ले सकते थे, राइट गाइस। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। तो अब हमारे क्वेश्चंस हैं अप्रोक्सीमेशंस की, अब हम मूव करेंगे अप्रोक्सीमेशंस की तरफ। क्वेश्चन है हमारे पास, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, 234 स्क्रीन पे लिखा हुआ है, 234.98 प्लस 55.89 डिवाइड बाय ब्रैकेट में 62.98 डिवाइड बाय 9.09। तो इसको मैं ओरली सॉल्व करने का ट्राई करता हूँ थोड़ा सा। 234 को मैं 235 लिख सकता हूँ, अप्रॉक्सीमेशन है, मैं चेंज कर सकता हूँ, 234 को मैं 25 लिख दूंगा, प्लस कर दूंगा 55 को, 55.89 टू 56 लिख दूंगा, ठीक है भाई। इसको डिवाइड करना है मुझे, ठीक है, इसको डिवाइड करना है मुझे, ब्रैकेट में क्या दिया हो मुझे, 62 को मैं 63 मान लूंगा और 9 को मैं 9 मान, 9.09 को मैं 9 मान लूंगा, तो 63 डिवाइड में 9 हो जाएगा मेरा 7, ठीक है। अब मैं ब्रैकेट खोल दूंगा, ये कटेगा, पहले बॉड मास लगाना मुझे, बॉड मास आपको पता होगा, बॉड मास, ठीक है, बॉड मास के चलते मुझे क्या लगाना है, यहाँ पे आ जाएगा 8, ठीक है, 8, 235 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 243, तो दिस इज द राइट आंसर। आपका ऑप्शन नंबर 4th जो है ये राइट आंसर हो जाएगा गाइस। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विदाउट वेस्टिंग टाइम जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे, ताकि आपका टाइम वेस्ट भी ना हो प्रिपरेशन में, ठीक है। छोटी छोटी वीडियोस की लेंथ रख रहे हैं हम, लेंथ छोटी रख रहे हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो जल्दी से स्पीड बूस्ट करनी है अपनी, साथ साथ क्वेश्चन करो और जल्दी से अच्छे मार्क्स स्कोर करो। लास्ट में आपने मुझे बताना है कि आपके 20 में से कितने नंबर आए हैं, राइट। चलो भाई, चलो अगला है 22.22, तो इसको मैं 22 लिख लेता हूँ सिर्फ, माइनस एक्स प्लस 11.98 को मैं 12 लिख लूँगा, ठीक है, प्लस 8.99 का स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर यानी 81 इज इक्वल टू 104.98 यानी 105, ठीक है। अप्रॉक्सीमेशन मैं मान रहा हूँ आपको आता है करना, ठीक है। यहाँ पे क्या करना मुझे, प्लस माइनस करना और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। ये 2, 3, ठीक है, 3 में से, अच्छा ये 2, 4, 5, 5, 8, 9, 10, 11, 115 माइनस एक्स इज इक्वल टू 105, एक्स को यहाँ भेजूंगा, 105 को यहाँ भेजूंगा, ये 0, 1, 10 आ जाएगा आपका आंसर, 10 विल बी द राइट आंसर। तो योर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4, 10, राइट गाइस। चलो भाई मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 18.91 यानी 19
मल्टीप्लाई बाय 15.89 यानी 16, ठीक है, प्लस 15.98 यानी 16, ठीक है, इज डिवाइडेड बाय, दिस इज इन ब्रैकेट, इसको ब्रैकेट में रखा हुआ है, और डिवाइड बाय 8, कुछ भी नहीं करना, इनको मल्टीप्लाई करना है, 19 और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे, 19 को 16 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करेंगे हम, नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं 19 को 16 के साथ, 9 6 4 6 और 114 और 19, यहाँ पे 40 एंड 304, दिस विल बी 304 प्लस 16, 304 प्लस 16 ये 320 बन जाएगा, 320 डिवाइड बाई 8 करना है मुझे जो 440, योर आंसर विल बी 40, ऑप्शन नंबर टू जो है आपका 40, आप देख रहे हो एग्जाम का लेवल क्या है, दिखने में क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहे हैं लेकिन जब आप सॉल्व कर रहे हो तो सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आ रही है, तो ऑप्शन नंबर टू जो है दिस विल बी योर राइट आंसर, राइट गाइज, चलिए मूव करते हैं आगे, तो चलिए गाइज लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 51.98 का स्क्वायर यानी 51 52 का स्क्वायर माइनस 27.92 का स्क्वायर यानी 28 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 2598 है, इसको 2596 मान लूंगा, राइट, अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है, कर सकते हैं, ठीक है, इतनी छूट है हमें, तो इसका स्क्वायर निकालना भाई, 420 एंड 25 40 2704, इसका स्क्वायर आएगा 2704, इसका आएगा 28 का स्क्वायर निकालना है मुझे, तो क्या आएगा आपका 864 16 32 और 4 8 784 आ जाएगा प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 2596, ठीक है, इसमें से इसको माइनस करेंगे 0, इसमें आएगा 2, ठीक है, 784 माइनस कर रहे हैं हम यहाँ से, ये 2 आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा 9, ठीक है, 9 आ जाएगा और 1920 आ जाएगा, दिस विल बी 1920 प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 2596, ठीक है, तो एक्स का स्क्वायर यहाँ भेजूंगा, इसको मैं यहाँ भेज दूंगा, माइनस हो जाएगा 1920 यहाँ भेज दूंगा, 6 7, ठीक है, ये बन जाएगा 676, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 676, किसका स्क्वायर है भाई ये, 676 किसका स्क्वायर है, 676 आपका भाई 26 का स्क्वायर है, दैट मीन्स आपका आंसर क्या आएगा, 26, आपका आंसर जो है 26, ऑप्शन नंबर 1, 26 विल बी द राइट आंसर, राइट गाइज, अगर आपको स्क्वायर्स क्यूब्स क्यूब रूट स्क्वायर रूट निकालना नहीं आते तो मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको क्वांट प्लेलिस्ट मिलेगी जेके बैंक के लिए, वहाँ पे आप देख सकते हो स्टार्टिंग के लेक्चर्स जो हैं वो हमारे स्क्वायर क्यूब्स के बेस पे हैं, अगर आपको वो नहीं निकालना आते देन आप उनको देखो, देन आके आप इनको सॉल्व कर सकते हो, अभी देखो ये हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चल रहे हैं सॉरी मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको अच्छे से आपका प्रिपरेशन हो चुकी है, आपको कॉन्सेप्ट्स आते हैं और अब हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, राइट, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है 49.19 यानी 49.19 है प्लस 5.96 यानी 6 इंटू 3 माइनस 7 इंटू 9, आप देख रहे हो कि मैंने क्या कर लिया, मैंने अप्रॉक्सीमेट कर लिया, वहां पे 5.96 था मैंने उसको 6 ले लिया, वहां पे 2.98 था वहां मैंने 3 ले लिया, 6.98 को मैंने 7 ले लिया और 8.95 को मैंने क्या ले लिया, 9 ले लिया, ठीक है, ये बन जाएगा 18 माइनस ये बन जाएगा 63, ये बन जाएगा 49 प्लस, ठीक है, ये इसमें 20 प्लस करूंगा तो कितना जाएगा 69 67 बन जाएगा, 67 में से मैं 63 माइनस करूंगा तो 4 आंसर, ठीक है, देखो कितनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन निकल रहे हैं, इतनी जल्दी क्वेश्चन निकल रहे हैं, ये आप लेवल देख रहे हो, तो एग्जाम में भी आपको इतनी ही स्पीड में क्वेश्चन निकालने हैं, एग्जाम में भी यही करना है, तो आपका 4 ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 और आंसर भी 4 है, दिस इज द राइट आंसर, चलिए गाइस आगे अकबर 6.95 का क्यूब यानी 7 का क्यूब कहा है निकालने के लिए इंटू 1.93 का क्यूब यानी 2 का क्यूब यानी 2 का क्यूब ठीक है इज इक्वल टू एक्स इंटू 49 ठीक है ये 7 का क्यूब है ठीक है तो आप इसको क्या कर सकते हो इसको 7 का स्क्वायर लिख लेते हैं इसको 7 का स्क्वायर लिख लेते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है इसको जब मैं यहाँ पे लाऊंगा ठीक है थोड़ा सा करेंगे इसको तो मैं 8 लिख लूंगा 2 का क्यूब इज इक्वल टू 8 2 का क्यूब इज इक्वल टू 8 ठीक है इसको मैं करता हूँ यहाँ से काटूंगा तो ये 7 की पावर 1 रह जाएगी ठीक है अगर आपको नहीं आ रहा तो ये देखो ये 7 का क्यूब बाय 7 की पावर 2 आएगा व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स ऑफ सबट्रैक्टेड इन द केस ऑफ डिवीजन ठीक है 7 की पावर 3 माइनस 2 आ जाएगा 7 की पावर 1 आ जाएगी इंटू 8 इज इक्वल टू एक्स राइट 8 7 56 56 इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1
56 आपका सही आंसर हो जाएगा गाइज, राइट। अगर अच्छी लग रही है वीडियो, अगर आपको कुछ सीखने के लिए मिल रहा है और आपकी स्पीड बूस्ट हो रही है, आपको पता लग रहा है ये क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं, मैं एक्चुअल में क्या कर रहा हूँ आपको बता रहा हूँ कि एग्जाम में आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, राइट। जैसी हमारी अप्रोच रहती है, हमने जिस तरह से एग्जाम क्वालिफाई किए हुए हैं, तो उसी तरह से आपकी अप्रोच भी बता रहा हूँ कि आपको क्या अप्रोच रखनी है, किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कुछ क्वेश्चन को आपको बिना देखे सॉल्व करना, बिना पेन कॉपी यूज किए हुए सॉल्व करना है, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके लिए मैं होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ। अगला क्वेश्चन जो है आपका है 23.94 × 6.97, इसको मैं 24 × 7 कर लूँगा ब्रैकेट में। अगला है मेरे पास 28/7 कर दूंगा, देखो ये 4 होता है डायरेक्टली, -48 हो जाएगा, तो डायरेक्टली आंसर निकालना है, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है, ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है कि इसका आंसर क्या है, और ये आपको करना है। ये मैं चेक करूंगा कि आपको वीडियोस देख के फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितने स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं और कितने ऐसे ही देख के छोड़ रहे हैं, राइट। चलिए देखो, अगर आप लाइक करते हो, शेयर करते हो, तो हमको भी मोटिवेशन मिलती है। अगर अच्छे लाइक्स आएंगे, अच्छे कमेंट्स आएंगे, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी, अंकिता मैम को भी मोटिवेशन मिलेगी कि वो आने वाले टाइम पे और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए प्रोवाइड करें और आपकी एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन करवाएं। सो हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, हम आपके लिए कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको भी हमें एक हेल्प करनी है कि आपको शेयर करना है चैनल को, शेयर करना है वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इनका बेनिफिट उठा पाएँ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे पास, अगला क्वेश्चन है 12.95 का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर, ठीक है। 12.95 को मैंने क्या लिख दिया, 13 लिख दिया, प्लस 19.97 को मैंने लिख दिया 20 इंटू 5.94 को लिख दिया मैंने 6, माइनस 14 को 9.96 लिख दिया मैंने ये, ठीक है, 15, ठीक है। ये बना 120 में 15 गए, 105 रह गए, ये 105 रह गए, 169 में से 105 निकालने हैं भाई, 64 आंसर, 64 इज द राइट आंसर। कितने सेकंड लग रहे हैं क्वेश्चन करने में, इस क्वेश्चन को करने में हार्डली 10 सेकंड लगे मुझे, ठीक है, 10 सेकंड में मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, ठीक है। चलो भाई आ गया मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5.98 का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर यानी 36, मैंने डायरेक्टली लिखा हूँ 5.98 का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर यानी 36, प्लस 4.97 का स्क्वायर कितना होता है भाई 5 का स्क्वायर, 25 माइनस 12 इज इक्वल टू 13, ठीक है, 13 इंटू क्या करना है मुझे 3.95 यानी 4 से मल्टीप्लाई करना है मुझे, क्या करूँगा 13 4 का कितना होता है भाई 52 में 36 प्लस करना है, 52 में 36 प्लस करना है 88 आंसर, ऑप्शन नंबर 2 88 राइट आंसर। देखो कितनी जल्दी क्वेश्चन बन रहे हैं, है ना, कितनी जल्दी क्वेश्चन बन रहे हैं, कोई डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन नहीं है ये। चलो भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 59.97 यानी 60, ठीक है, डिवाइड बाय रूट दे दिया हो भाई मुझे, अब मुझे रूट दे दिया हुआ है, ठीक है, रूट दे दिया 1023.84, लेकिन मेरे को पता है 1024 किसी का रूट होता है, मुझे पता है 1024 किसी का रूट होता है, माइनस करना मुझे क्यूब रूट किसका 1727 दिया मुझे, यहाँ 1727 दिया हुआ है 0.98, यानी इसको मैं 1728 लिख सकता हूँ, मुझे पता है भाई, मुझे पता है ये किसका क्यूब है, मुझे पता ये किसका स्क्वायर है, मुझे पता है ये किसका क्यूब है, जल्दी से बोल दो, ये है किसका क्यूब, ये है 12 का क्यूब, यानी इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा भाई, इसकी जगह मैं लिखूंगा 12, इसकी जगह मैं लिख दूंगा 12। अब 1024 किसका स्क्वायर है भाई, किसका स्क्वायर है 32 का, ये 32 का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है 32 का, 60 से डिवाइड करना है मुझे ये। अब देखो, अब ये ब्रैकेट में था भाई, ये ब्रैकेट में, ठीक है, ये ब्रैकेट में है चीज, ठीक है, इसको कर दूंगा 20, 32 - 12 = 20, ब्रैकेट खोलूंगा, इसको काटूंगा, आंसर आ जाएगा 3, आंसर क्या आ जाएगा 3, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, आंसर इज 3। चलिए गाइस, ठीक है, अब इसके लिए कंडीशन क्या थी, आपको पता होना चाहिए था कि 10, आपको पता होना चाहिए था क्या कि 1023.84 उसके आसपास किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसके लिए आपको भाई क्यूब्स और स्क्वायर्स याद होने चाहिए भाई, एटलीस्ट 30 तक के स्क्वायर्स आपको लर्न रहने चाहिए, ठीक है। ये चलो 32 का था लेकिन आसपास था, लास्ट में 4 आ रहा था तो मेरा बन गया ये, ठीक है। तो एटलीस्ट आपको 30-35 तक के स्क्वायर्स और एटलीस्ट 20 तक के क्यूब्स आपको लर्न होंगे, तब जाके आप इनको जल्दी से सॉल्व कर पाओगे। चलिए गाइस मूव करते हैं, ये 10 क्वेश्चन हमने कर दिए, जल्दी से खत्म कर दिए, इनको करने में कितना टाइम लगा हमें, देखो मैं आपको समझा रहा हूँ,
तब भी इतना कम टाइम लग रहा है। अगर मुझे खुद करने होते तो मैं कितनी जल्दी करता। ऐसा ही आपको करना है, यही जो मैं अप्रोच आपको सिखा रहा हूँ यही अप्रोच आपको भी लेनी है। राइट गाइस, चलो भाई नेक्स्ट करते हैं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी तक हमने 15 क्वेश्चन कर लिए हैं। इन 15 क्वेश्चन के लिए आपको चैनल को लाइक करना है, वीडियो लाइक करो, ठीक है, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ताकि वीडियोस और भी लोगों तक पहुंच पाए। चलिए भाई नेक्स्ट कर रहे हैं हम। अगला है मेरे पास 12x square माइनस 33x माइनस 5। साइंस की बात करो, साइन क्या आएंगे हमें, प्लस और प्लस, ठीक है, सॉरी साइंस आएंगे मेरे प्लस और माइनस, ठीक है। एक्स के साइन क्या आएंगे मेरे, एक्स के साइन क्या आएंगे, प्लस और माइनस, ठीक है। और अगर मैं वाई के साइन बताऊं, वाई के साइन मेरे क्या बनेंगे, वाई के साइन बनेंगे माइनस और माइनस, ठीक है, माइनस और माइनस, ठीक है, आप देख पा रहे हो। अब मुझे फैक्टर्स बनाने हैं, मुझे 12 और 15 को इस तरह से स्प्लिट करना है, 12 को और 15 को। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, 4 × 3 × 3 × 5, इसकी जगह मैंने लिखा ये, इसकी जगह मैंने लिखा ये, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, मुझे चाहिए क्या, 3 चाहिए मुझे, तो 3 कैसे बनेगा, ये 15 और ये 12, 5 × 15 और 12, तो ये 15 और 12, बड़ा नंबर पहले लिखेंगे हम, बड़ा नंबर पहले। अच्छा, डिवाइड भी करना है 12 के साथ, डिवाइड करना है 12 के साथ, क्यों भाई 12 से डिवाइड क्यों करना है, 12 से डिवाइड इसलिए करना है क्योंकि हमने पहले 12 से मल्टीप्लाई भी तो किए, ये 12 से मल्टीप्लाई किया था, इसलिए 12 से डिवाइड भी करेंगे। सिमिलरली वाई के फैक्टर्स बनाऊंगा मैं, वाई के फैक्टर्स बनेंगे 2y square, इसके डायरेक्टली बन जाएंगे आपके 10 और 12 ही बन जाएंगे ना, 10 और 2 बन जाएंगे, ये 10 और 2 बन जाएंगे, 10 और 2 आपके फैक्टर्स बनेंगे। डिवाइड करना है इसको भाई 2 के साथ, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब इसको मुझे कंपैरिजन करना है, इसका क्या आ जाएगा, 3 5 3 4, ठीक है, ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, तो क्या आ रहा है मेरे पास, एक्स की वैल्यू आ रही है 5 बाई 4 प्लस वाली और माइनस 1 और माइनस 1, ठीक है, ये आ रही है मेरे पास माइनस 5 माइनस 1 माइनस 5 माइनस 1, ये आ रहा है मेरा 1 point कुछ, ये वैसे ही पॉजिटिव है, ये बड़ा आएगा, ये वैसे ही पॉजिटिव है, ये बड़ा आएगा, इसमें से बड़ा कौन सा आएगा, ये वाला, और ये आ जाएगा इक्वल, दैट मीन आंसर क्या है, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, आंसर आएगा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व करना है भाई, जल्दी जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक का एक और क्वेश्चन, आपको एग्जाम में क्वाड्रेटिक आने के बहुत सारे चांसेस हैं भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, फैक्टर्स आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो फैक्टर क्या बनेंगे भाई इसके, 3 और 2, ठीक है। चलो पहले साइन ले लेते हैं, साइन आएंगे प्लस और प्लस, ठीक है, अगर थोड़ा सा कंसेप्ट याद करवा लूँ तो ऐसे होता है भाई, ये देखो साइंस कैसे लेते हैं, आपको दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये दिया है, इस ये माइनस है, माइनस का उल्टा क्या होता है भाई, प्लस, और ये प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस, ठीक है, यानी दोनों एक्स के दोनों साइन क्या आएंगे, प्लस और प्लस, ठीक है। सिमिलरली वाई की वैल्यू के, वाई की भी सेम दिया है मुझे, माइनस प्लस दिया है, तो वाई के भी दोनों साइन क्या आएंगे, प्लस और प्लस, ठीक है। फैक्टर्स बनाने मुझे 6 के, तो 3 और 2 एक्स के साथ कोई वेरिएंट नहीं है, एक्स के साथ कोई नंबर नहीं है, दैट मीन्स कुछ भी डिवाइड नहीं करना। सिमिलरली वाई के साथ क्या आएगा, वाई के साथ आ जाएगा मेरा 10 और 6 क्या बनेगा मेरा, वाई के मेरे फैक्टर्स क्या बनेंगे, 4 × 4 2 × 4 × 4, ठीक है, मुझे चाहिए 10 चाहिए, 2 × 2 × 4 8 और 2, ठीक है, 8 और 2 मेरे फैक्टर्स बन जाएंगे, 8 और 2 फैक्टर्स क्या बनेंगे, 8 और 2, ठीक है। देखो मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई करके 16 आ रहा है, प्लस करके क्या आ रहा है, प्लस करके आ रहा है मेरा 10। चलिए भाई कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन कैसे करते हैं भाई, 3 3 2 2, ठीक है, 8 2 8 2। अगर आपको ये वीडियोस देखनी है, अगर आपको ये वीडियोस देखनी है तो आपको प्लेलिस्ट में जाना है, प्लेलिस्ट में जाके आपको क्या करना है, वहाँ पे चेक करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्चुअल लेसन, अगर आपको डिटेल में लेक्चर चाहिए। 5 नंबर का टॉपिक आना भाई आपको, ये 5 नंबर का टॉपिक आना और आपको ये वीडियोस देखनी है, ठीक है। चलो भाई आगे क्या आएगा इसमें, ये बड़ा है, ये बड़ा है, देखो साइंस ऑपोजिट हो गई, साइंस ऑपोजिट हो गई, दैट मीन्स यहाँ पे नो रिलेशन, मेरा आंसर आ जाएगा डायरेक्टली। चलो अगला है मेरे पास 2x square प्लस, अच्छा साइंस देखें तो साइंस आएंगे इसके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2x square plus 12x plus 16, दैट मीन्स 2x square plus 12x plus 16, इसके साइंस में देखो तो यहाँ साइंस आएंगे माइनस और माइनस, माइनस आप वो साइन आप खुद बना लोगे आप, उसके साइन आएंगे आपके प्लस और प्लस, उसके साइन आएंगे प्लस और प्लस, तो मुझे बताओ कभी माइनस वाले प्लस से बड़े हो सकते हैं, बिना फैक्टर्स निकाले आंसर। 10 सेकंड का क्वेश्चन देखते ही आंसर, ठीक है, देखते ही आंसर, x is less than y, आंसर क्या आएगा, x is less than y। चलो देखो भाई एग्जाम में आएगा क्वेश्चन है, कोई और क्वेश्चन बाहर से नहीं करवा रहा मैं आपको, अब एग्जाम मत पूछना कौन सा है,
प्रीवियस किसी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, मैंने सेलेक्ट किए हैं वहाँ से, और डेली आपके लिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लाता रहूँगा। कितने सारे एग्जाम्स होते हैं, SBI का होता है, IBPS का होता है, RBI का होता है, RRB का होता है, LIC का होता है, तो उनमें से मैंने क्लरिकल लेवल के क्वेश्चन उठाए हैं भाई और आपके लिए लेके आया हूँ। चलो भाई अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है मेरे पास 3x² प्लस माइनस 10x प्लस माइनस 8, ठीक है, 3x² माइनस 10x प्लस 8, साइन क्या आएंगे भाई, प्लस और माइनस, एक्स के साइन आएंगे प्लस और माइनस, और इसके आएंगे माइनस और माइनस, इसके आएंगे माइनस और माइनस, ठीक है। फैक्टर्स बनाने हैं मुझे 3 और 8 के, 3 और × 8 करना है मुझे, चाहिए क्या मुझे, 10 चाहिए, मुझे 10 चाहिए, ठीक है। देखो प्लस माइनस है, मुझे माइनस करके आना चाहिए, एक प्लस मतलब यहाँ पे डिफरेंस निकलेगा, यहाँ पे 3 × 2 × 2 × 2 8 जगह कर दिया मैंने, फैक्टर्स बना दिए। चलो भाई क्या चाहिए मुझे, 10 चाहिए, 10 चाहिए तो ये बन गया 6 और ये बन गया 4, तो ये तो प्लस हो रहा है, प्लस नहीं करना ना मुझे, फैक्टर्स देखें भाई क्या बनेंगे इसके, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस ही होगा, 6 और 4 नहीं बनेंगे यहाँ पे, 6 और 4 नहीं बनेंगे क्योंकि 6 और 4 प्लस करके 10 बनता है, माइनस करके नहीं बनता, तो 8 और 3 3 और 6 12, अच्छा 12 और 2 बन जाएंगे, 12 और 2 बन जाएंगे, ठीक है 12 और 2, ठीक है। तो फैक्टर्स क्या आएंगे, 12 और 2, ठीक है, डिवाइड करना है इसको 3 के साथ, डिवाइड करना 3 के साथ, डिवाइड करना 3 के साथ, ठीक है। चलो भाई ये बन जाएगा आपका 4, ठीक है 4 बन जाएगा। आगे वाली बात करूँ तो आपको चाहिए 17 चाहिए, 17 चाहिए और दोनों माइनस माइनस नहीं, वहाँ वहाँ प्लस हो रहे होंगे, अगर ये माइनस माइनस नहीं, दैट मीन्स पहले क्या हो रहे होंगे, प्लस हो रहे होंगे, ठीक है। तो 17 मुझे फैक्टर्स बनाने हैं, 6 × 3 × 2 × 2 मुझे चाहिए 17, 17 चाहिए, 6 6 6 12 नहीं ये नहीं बनेगा, ठीक है, तो 2 × 3 × 3 × 2 × 2 ऐसे ब्रेक कर लिया मैंने इसको, क्या चाहिए मुझे, 8 2 × 2 × 2 8 और 3 × 3 9, ठीक है ये 9, इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बन जाएगा, और प्लस करूँगा 17 बन जाएगा, दैट मीन फैक्टर क्या आएंगे आपके 9 और 8, डिवाइड करना है इसको भाई कितना 4 के साथ, इसको 4 से, दैट मीन्स ये कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो फैक्टर्स मेरे पास क्या आ रहे हैं भाई, फैक्टर्स आ रहे हैं 4 4 -2/3 -2/3, ठीक है। इसकी बात करूँ तो ये 9/4 9/4, ठीक है, इसकी बात करूँ तो ये आएगा 2 9/4 और ये आएगा 2, ये माइनस 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 माइनस, ये तो भाई वैसे ही बढ़ा, ये वैसे ही बढ़ा है। इन दोनों की बात करूँ तो अगर आपको ये सॉल्व करने में मुश्किल आ रही है तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो ये -8 आ जाएगा और ये -27 आ जाएगा, दैट मीन्स बड़ा कौन सा आ रहा है, ये सॉरी बड़ा कौन सा आ रहा है, यही वाला, माइनस के केस में छोटा वाला ही बड़ा होता है, ठीक है, समझ रही हो बात, ठीक है। ये यहाँ जाएगा तो -8 बन जाएगा, ये यहाँ पर जाएगा तो -27 बन जाएगा, ठीक है। तो -8 और -27 में से बड़ा कौन सा, यही बड़ा है, तो साइन मेरा अभी तक भी यही चल रहा है, ठीक है। और यहाँ की बात करूँ तो ये क्या बन जाएगा, -2 और -6, दैट मीन यही बड़ा आएगा, ठीक है, यही बड़ा आएगा, दैट मीन्स मेरा आंसर क्या आएगा भाई, x is greater than y। चलो भाई जल्दी जल्दी क्वेश्चन खत्म करेंगे, ये 20 क्वेश्चन आपको एग्जाम में 10 मिनट में सॉल्व करने हैं भाई, मैं आपको समझा रहा हूँ तभी टाइम लग रहा है, ये मत कहना कि सर आपने 20 मिनट की 25 मिनट की वीडियो बना दी 20 क्वेश्चन करने में, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ, साथ में बहुत सारी चीज़ें बोल भी रहा हूँ, क्वेश्चन को लिख रहा हूँ, आपको क्वेश्चन लिखना नहीं है, माइंड में सॉल्व करना है। क्वालिटी के क्वेश्चन खत्म हो गए, हमने आज 20 क्वेश्चन किए, 19 या 20 क्वेश्चन, आई थिंक ये क्वेश्चन छूट गया मेरे से, ठीक है कोई, तो 19 या 20 क्वेश्चन हमने किए हैं आज, ठीक है। एंड आई होप आपको ये समझ भी आए होंगे, आपने साथ साथ मेरे सॉल्व किए होंगे, अब आपको बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए, ठीक है, जो अभी आपने वीडियोस देखी उसमें से कितने करेक्ट किए और कितने कितने टाइम आपको लग रहा है। आहिस्ता आहिस्ता स्टार्टिंग के दिनों में जब हमारी लेक्चर सीरीज स्टार्ट हो रही है तो आपको थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। अगर कंसेप्ट नहीं आ रहे तो मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको, वीडियोस नीचे पड़ी हुई हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, अगर आप चाहते हो तो मैं आपको यहाँ आई बटन में भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा वीडियोज़ का, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना है गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।